गाना बजाओ। सो गाइज, आज का ये वीडियो स्टेटस आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और गाइज, जो भी भाई हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि गाइज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि गाइज आपको भाई ऐसी एडिटिंग में चल क्या करता है। तो गाइज, इस तरह का वीडियो मतलब स्टेटस बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए सिंपली आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है इलाइट मोशन, और इलाइट मोशन को आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। और गाइज, आपको मतलब उसका लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा। तो गाइज, आपको यहाँ पर इस तरह से मतलब टैप करोगे तो आपको यहाँ पर पिन के मिल जाएगा, ठीक है, इलाइट मोशन का लिंक आप वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइज, आपको मेरे टेलीग्राम को भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर मैं अपने लेटेस्ट अपडेट और सारे फोटोज़ को आपको दे दे रहता हूँ। चलिए गाइज, फटाफट से उसको भी आपको ज्वाइन कर लेना है। चलिए गाइज, फटाफट से हम इसका ट्यूटोरियल करते हैं स्टार्ट। तो फ्रेंड्स, तो आपको अपने लाइट मोशन में बीट मार्क जो इंपोर्ट करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज, आपको क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्टिंग वाले बीट पे आना है। देन गाइज, यहाँ पे आने के बाद आपको प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडियम चले जाना है। और गाइज, जिस भी फाइल में आपके फोटो हो, फाइल को सबसे पहले आपको सिलेक्ट करके मतलब सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से। देन आपको क्या करना है गाइज, सिलेक्ट करने के बाद वन बाय वन फोटो को टैप करना है। देन गाइज, यहाँ पे राइट साइड के ऊपर आपको थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो गाइज, आपको सिंपली इस पर टैप मतलब टैप करना है, और थोड़ा सा आपको फिल कंपोजिशन एरिया आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, आपको फिल कंपोजिशन एरिया पे सेट कर देना है। देन आपको क्या करना है कि नेक्स्ट बीट पे आना है, और इसके गाइज जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है उसको यहाँ से आपको क्लिक करके मतलब इरेज कर देना है। तो इसी तरह से आपको वन बाय वन करके फोटोज़ को ऐड करते जाना है, और मतलब आगे की ओर आके इसके एक्स्ट्रा पार्ट को इसी तरह से इरेज करना है। चलिए गाइज, फटाफट से हम इसी तरह से फोटोज़ को ऐड करते हैं, और थोड़ा सा फोटो को आगे आप जब ऐड करोगे तो आपको कुछ इस तरह का ग्रुप देखने को मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पे आप जैसे ही यहाँ तक फोटो ऐड करोगे आपको फिर उसके बाद इस तरह का ग्रुप देखने को मिलेगा। तो गाइज, यहाँ पे ग्रुप पे फोटो कैसे ऐड करना है मैं बता देता हूँ आपको। तो गाइज, यहाँ पे हमारा जो एक आपको यहाँ पे ग्रीन कलर का लेयर देखने को मिलेगा, जो इस मतलब जो कि ग्रीन कलर का लेयर है। तो गाइज, आपको क्या करना है, इस पर आपको 9x60 के रेशियो में फोटो को ऐड करना है, ठीक है। तो गाइज, फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना होगा कि गाइज 9x60 के रेशियो में करने के लिए आपको सिंपली यहाँ से हो जाना है बैक, और प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके 9x60 के रेशियो में कर लीजिएगा। और गाइज, यहाँ से क्लिक करने के बाद प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा। देन गाइज, आपको क्या करना है कि प्लस वाला आइकन पर क्लिक करके मीडियम चले जाना है, और जिस भी फाइल में फोटोज फाइल को आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो गाइज, मैं यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट करने के बाद आपको क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फोटो को आपको यहाँ पे इस तरह से सेट करके यहाँ पे आपको फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है। देन गाइज, उसके बाद क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके करंट फ्रेम एस पीएनजी करके आपको यहाँ से सेव कर देना है, ठीक है। देन गाइज, जब आप इसी तरह से आप सेव कर लोगे तो आप यहाँ से सेव कर देना, मैंने यहाँ पे फोटो ऑलरेडी सेव करके रखा हुआ है। तो उसके बाद क्या करना है कि गाइज, आपको अपना जो सॉन्ग बीट मार्क है उसको ओपन कीजिएगा। देन गाइज, हमारे जहाँ से ग्रुप है आपको ग्रुप पे आ जाना है। आपको यहाँ पे मतलब दो तरह का मतलब यहाँ पे देखने को लेयर मिलेगा, जो कि गाइज एक इमेज आपको नीचे की साइड में देखने को मिलेगा जो कि बैकग्राउंड इमेज है। गाइज, आपको सिंपली इस पर टैप करना है, कलर एंड फिल का ऑप्शन में चले जाना है, और गाइज वहाँ से हमने जिस फोटो को अभी मतलब 9x60 के रेशियो में किया है उसे ऐड कर देना है। देन गाइज, ऊपर जो आपको ग्रीन कलर का छोटे छोटे मतलब इस तरह से ग्रुप्स देखने को मिलेंगे गाइज, उस पर भी सिंपली आपको टैप करना है। देन कलर एंड फिल का ऑप्शन में चले जाना है, और स्टार वाले ऑप्शन पर क्लिक करके गाइज आपको क्या करना है कि वन बाय वन करके फोटोज़ को वहाँ पे ऐड करते जाना है। गाइज, एक सेकंड में यहाँ पे आपको फोटो ऐड करके दिखाता हूँ। देखिए गाइज, हमारा फोटो जो है कितने अच्छे से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। देन गाइज, वन बाय वन करके आपको इसी तरह से फोटोज़ को ऐड करते जाना है। चलिए गाइज, सारे फोटोज़ को ऐड करते हैं, और तब तक लिए थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइज, आपको शुरू से लेकर लास्ट तक फोटो ऐड कर देना है। फोटो ऐड करने के बाद आपको क्या करना है गाइज कि सिंपली हो जाना है यहाँ से बैक। देन गाइज, अपना सेकेफिक फाइल को आपको ओपन करना है। तो गाइज, हमारा जो सेकेफिक फाइल आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो गाइज, क्या करना है कि सबसे पहले फर्स्ट वाला जो इफेक्ट है आपको सिंपली इस पर टैप करना है। देन इफेक्ट पर टैप करना है, और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर देना है। तो गाइज, कॉपी इफेक्ट करने के बाद क्या करना है कि अपना सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट को आपको ओपन करना है। देन गाइज, आपको ओपन करने के बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की ओर स्वाइप करना है। गाइज, आपको यहाँ पे फर्स्ट नंबर का एक टेक्स्ट इस तरह से देखने को मिलेगा, जो कि मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। आपको यहाँ पे इस तरह से फर्स्ट नंबर का लेयर देखने को मिलेगा। गाइज, ये लेयर हमारा जहाँ तक हुआ, और इसके बीच में हमारे जितने भी फोटोज़ हैं उन सारे फोटोज़ पर फर्स्ट इफेक्ट पेस्ट हुआ। तो गाइज, इफेक्ट को पेस्ट करने के लिए सिंपली आपको फोटो पर टैप करना है।
देन गाइज इफेक्ट में चले जाना है और यहाँ से थ्री डॉट पर क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो गाइज देख सकते हैं हमारा जो ये फोटो है इस पर कितने अच्छे से ये इफेक्ट ऐड हो चुका है। देन गाइज नेक्स्ट फोटो पे भी इसी तरह से टेप करके इफेक्ट को और यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो गाइज इसी तरह से वन बाय वन करके इफेक्ट को पेस्ट करना है। और गाइज स्क्रॉल करके आगे आप जब आएंगे तो आपको इसी तरह से सेकंड वाला लेयर, ठीक है, देन आपको यहाँ से ग्रुप और ग्रुप के बाद फिर से आपको थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, मतलब जो भी इफेक्ट जो भी जिस फोटो पे ऐड होगा वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो गाइज इसी तरह से सारे इफेक्ट्स को आपको कॉपी करके क्या करना है कि यहाँ पे पेस्ट करते जाना है। तो गाइज इस तरह से जब आप कंप्लीटली सारे इफेक्ट को पेस्ट कर देते हो तो आपका स्टेटस बनके रेडी हो जाएगा। फिर गाइज आपको क्या करना है कि यहाँ पे क्लिक करके वीडियो कर देना है एक्सपोर्ट, आपका वीडियो स्टेटस बनके रेडी हो जाएगा। तो गाइज आज की ये वीडियो आप लोगों को कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। और गाइज वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देगा। और गाइज ऐसी एडिटिंग सीखने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि गाइज आपका भाई ऐसी एडिटिंग हमेशा लेके आता रहता है। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।